सुबह का वक्त है और रात की घटनाओं के बाद अब लोग यहां पर फिर से जमा होना शुरू हो गए हैं। मीडिया वालों का हुजूम है, आप देख सकते हैं यहां पर फिर से एक गहमा गहमी का माहौल है, क्योंकि लोग जवाब तलब करना चाह रहे हैं कि ये घटना जो हुई हिंसा की, अंदर कैसे घुसी है पुलिस। पोस्टर्स लगे हुए हैं जो फटे हुए हैं, आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, सभी का खून शामिल है इसमें, ये मिट्टी किसी के बाकी का कटा हुआ है, वन लॉ फॉर ऑल नो, ये लिखा हुआ है। यहाँ पर लोग जमा हैं बहुत सारे और मैं आपको दिखाता हूँ कि हो क्या रहा है। यहाँ पर एक मजमा लगा हुआ है अखबार वालों का, यहाँ पर संभवतः घायल ये स्टूडेंट्स हैं जो अपनी अपनी बात बता रहे हैं यहाँ मीडिया वालों के सामने, और इसलिए काफी गहमा गहमी का माहौल है। दूसरे फोन पर ये है, आज भी आक्रोश है, हालांकि ये कहा गया था कि आंदोलन वापस ले लिया गया है, लेकिन काफी हंगामा है यहाँ, नारेबाजी हो रही है, नंगे होकर प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर, नंगे होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, कपड़े उतार रखे हैं बच्चों ने और गेट के ताले बंद हैं। स्कूल यहाँ पे यूनिवर्सिटी में छुट्टी दे दी गई है, बताया जा रहा है 5 जनवरी तक बंद कर दिया गया है इसको, जो लोग ये मांग कर रहे हैं कि जो कार्रवाई हुई है जिन लोगों ने किया है उनके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ मीडिया वालों का हुजूम है और पेरेंट्स भी आ गए हैं। माहौल थोड़ा सा बिगड़ रहा है यहाँ, क्योंकि काफी भीड़ और भी आ रही है दूसरी तरफ से। आज बहुत सारी 2 अस्पताल हैं यहाँ आसपास, एस्कॉर्ट्स और होली फैमिली, वहाँ पर घायलों को रखा गया है और ज़्यादातर उनके माँ बाप, क्योंकि छुट्टी डिक्लेयर कर दी गई है यूनिवर्सिटी में, इसलिए परेशान माँ बाप भी यहाँ पर आए हैं अपने बच्चों को ले जाने के लिए। लोग यूनिवर्सिटी का कैंपस छोड़ के जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा दूसरी तरफ लेकर चलता हूँ, चूँकि यहाँ पर थोड़ा सा माहौल ख़राब है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्या हो रहा है यहाँ दिखाने के लिए। ये कौन लोग, ये है माहौल सुबह का। हालांकि उम्मीद की जा रही थी कि आप देख रहे हैं अंदर का सीन, बच्चे तैयार हैं निकलने के लिए, इंतजार कर रहे हैं, अब यहाँ से खाली होगा कैंपस क्योंकि छुट्टियाँ डिक्लेयर कर दी गई हैं। बाहर जो बाबे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो मेन गेट है, गेट नंबर 7, वहाँ पर प्रोटेस्ट अभी हो रहा है, कपड़े उतार कर लोग कर रहे हैं। लेकिन यही है कि अब प्रशासन को भी चाहिए कि थोड़ा वो करें कि मामला ठंडा पड़े। आप देख सकते हैं बच्चियां अपना बैग लेकर हॉस्टल से निकली हैं, क्योंकि हॉस्टल्स खाली करा दिए गए हैं, ये अपने अपने घरों को जाने के लिए निकली हुई हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई इन्हें पिकअप करने के लिए आए। और अब